कौन लोग होते हैं जो दिल के बहुत साफ होते हैं, मतलब बहुत अच्छे होते हैं दिल के। मैं ध्यान रखना, मैं आज इस वीडियो में आपको ये नहीं बता रही कि लोग बहुत सीधे होते हैं, मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि कैसे किसी की भी डेट ऑफ बर्थ जानकर आप यूँ चुटकियों में बता सकते हैं कि ये दिल का कितना साफ है। ऐसे लोग दिल से बहुत अच्छे होते हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ में ये अंक आपको दिखाई देंगे, और आप खुद मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि सही में जो मैं बोलने जा रही हूँ वैसा है कि नहीं है। जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 3 अंक, 5 अंक और 7 अंक, ये तीनों अंक आते हैं, ऐसे लोग दिल के बहुत साफ होते हैं। इनको मैं बोलती हूँ पीपल विद गोल्डन हार्ट्स। ये लोग ना, मैं सीधे नहीं बोलूँगी कि सीधे होते हैं कि नहीं होते, लेकिन इनके मन में ना किसी के लिए छल कपट चोरी नहीं होती, ये लोग धोखा नहीं कर सकते हैं। इनकी ये बेसिक फीचर है, इनकी कमज़ोरी कह लो, कई बार इनको अपनी कमज़ोरी भी लगती है, ये चाहकर भी किसी को धोखा नहीं दे पाते हैं। और इनफैक्ट आप भी ऑब्जर्व करना, जिन लोगों की डेट ऑफ बर्थ में, जैसे जिनका ड्राइवर 3 हो गया, कंडक्टर 5 हो गया, उनकी डेट ऑफ बर्थ में 7 भी आ रहा है, या फिर जिनका ड्राइवर 5 है, कंडक्टर 7 है, डेट ऑफ बर्थ में 3 भी आ रहा है, ऐसे लोगों को आप देखेंगे, ये लोग धोखा नहीं देते हैं, ये लोग लड़ लेंगे आपसे, मुँह पर बुरा बोल लेंगे, ठीक है, और मतलब चीट नहीं कर सकते हैं। जो मेन चीज़ जो मैं आपको यहाँ पर बताना चाह रही हूँ ना, कि ये चीट नहीं कर सकते हैं। हो सकता है लाख बुराइयाँ हो, अदरवाइज इनमें लाख बुराइयाँ हो सकती है, ये भगवान नहीं बता रही मैं इन्हें, लेकिन ये मन के साफ होते हैं। एक्चुअली क्या है ना, ये लोग दिमाग से नहीं दिल से सोचते हैं, प्रॉब्लम यही है। बहुत इमोशनल होते हैं, बहुत जल्दी डिप्रेस फील हो जाते हैं अगर कोई इनको इमोशनली हर्ट कर देता है, समझना मेरी बात को, इमोशनली हर्ट कर देता है तो बहुत जल्दी डिप्रेशन में चले जाते हैं। क्या करें, अपना नाम करेक्ट कराएं और हाथ में ग्रीनेट ब्रेसलेट पहने, क्योंकि ग्रीनेट ब्रेसलेट इनको इमोशनल स्टेबिलिटी देगा, जिससे कि रिलैक्स महसूस करेंगे, इतनी जल्दी डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। कोशिश करें और थोड़ा मेडिटेशन करें। वैसे तो आप दिल के बहुत साफ हैं, लेकिन बस लोगों को अपना फ़ायदा उठाने से रोकिए। दुनिया उतनी अच्छी नहीं है जितने अच्छे आप हैं। थैंक यू सो मच, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।